मैं डीपी गौतम डेल्टा वन आरडब्ल्यूए का उपाध्यक्ष हूँ। और आजकल सेक्टर वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस ग्रेटर नोएडा में, जैसे बिजली बुनियादी जो सुविधाएं जो देनी चाहिए बिजली पानी और सुरक्षा की है। बिजली की समस्या इतनी बुरी है इस पूरे ग्रेटर नोएडा में, अथॉरिटी जब प्लाट देते समय 24 घंटे बिजली और पानी देने का वादा किया था, लेकिन आज की डेट में ये है, आज जो आज का जो ताज़ा एग्जाम्पल है वो आज सिर्फ 2 घंटे बिजली जो है सेक्टर के अंदर आज दी गई। और इनके अथॉरिटी से बात करने पे भी उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि सेक्टर में 2 घंटे की बिजली अवेलेबल रही है। ये आज तक का अभी तक का एक रिकॉर्ड है ये, तो इसको हम सबको बड़े मजबूती से हम लोग सीईओ से मिलके इसको डीएम से और हायर अथॉरिटी से मिलके इस बिजली की समस्या को सुधारने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ग्रेटर नोएडा वासियों को, सेक्टर वासियों को, डेल्टा वासियों को पूरी बिजली जो वायदे के अनुसार जो अथॉरिटी ने जो वादा किया है वो दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी प्रकार सुरक्षा का है मैटर और तमाम जो सुविधाएं हैं जो जो अथॉरिटी को प्रोवाइड करनी है सेक्टर के अंदर, वो सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग उठा रहे हैं और इसको अथॉरिटी के सहयोग से इसको हम लोग एक एक चीज़ को हम लोग उसको फॉलो करेंगे और इसको सुधारेंगे।